अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है ये नया होगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आज का दिन आज़ादी के नाम, तो आज 14 अगस्त है। हम जा रहे हैं, मैं वैसे पहली बार जा रहा हूँ जबरी। ये एक जगह मतलब काफ़ी खूबसूरत है, मोनाल दामने को से मोनाल से हाईलैंड, और वहाँ से KPK के रास्ते डाइनो वैली से हम लोग जाएंगे आगे जबरी तक। तो चलें वहाँ जाके, अब फिर आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि वहाँ के रोड की आज क्या सूरत हाल है। आज़ादी है भाई, बच्चे बाजे वाजे बजा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बाजे लेके फिर रहे हैं, कोई झंडे लेके फिर रहा है। तो खैर, जैसा कि ये देखें बच्चा इतना बड़ा बाजा बजा रहा है, तो चलें मज़ीद डिटेल फिर आपको आगे चल के देते हैं। अभी हम लोग F6 के सेक्टर के करीब हैं। यहाँ पर ये जो पहाड़ों का मंजर है बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा। अभी हम ज़रा पहले फ्यूल डलवा लें F6 चल के, उसके बाद फिर हम वापस इस रोड पे आएंगे। वैसे आज गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो मौसम पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, 2-4 दिन पहले काफ़ी मज़े का था, बारिशें हो रही थी, बादल थे, लेकिन आज तो भाई गर्मी सी हो रही है, ऐसा बाजू भी जल रहा है ना अभी। तो चलें ज़रा अभी फ्यूल फुल करवाते हैं और उसके बाद फिर अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखते हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों GoPro का माइक ऑफ हो गया था, और हम लोग बस ये दामने को रास्ते में एंटर होने वाले हैं, और मोइज हमारे साथ आ गए ये राइट साइड पे बाइक पे, और यहाँ से हम लोग दामने को के लिए एंटर होंगे और यही रास्ता आगे जाएगा। और ये खान भाई पुलिस के डर से रोड के पीछे ही रुक गए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पुलिस वाले बिना हेलमेट वालों को और जिन कार वालों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया उनके चलान वगैरह काट रहे थे। चलें फिर हम अपना सफ़र ज़रा आगे का जारी रखते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा रश है 14 अगस्त की वजह से, और देखते हैं ये रश कहाँ तक होगा। उम्मीद है दामने को पे ख़त्म हो जाएगा, ऊपर तक लाइनें लगी हुई हैं। तो जा रहे हैं फ़िलहाल तो हम, और मज़ीद आगे जाके देखते हैं कि कितनी ख्वारी उठानी पड़ेगी आज हमें। ये दोनों अभी इस बाइक पे हो गए हैं, क्योंकि ये वाली बाइक अभी जो है इतना लोड नहीं उठा रही थी, और उसकी अल्टर बाइक है। तो चलें अभी हम आगे, इस पे मैं अकेला हो गया हूँ और हम आगे निकल पड़े हैं। रश भाई काफ़ी है, मोनाल दामने को तक तो बहुत रश था, अब आगे मोनाल आएगा वहाँ पे देखते हैं, वहाँ भी जा रहे हैं काफ़ी लोग, लेकिन नीचे की निस्बत फ़िलहाल बहुत कम हो गया रश। तो मोटो व्लॉगिंग में मज़ा तो आ रहा है, और खैर लेकिन बात वही है कि भाई इस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो जब तक शाम नहीं होती तब तक सुकून नहीं आएगा। तो चले आगे की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं और देखते हैं मज़ीद हमें कितना टाइम लगता है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मौसम बेहतर होता जा रहा है, और इसी के साथ रश भी कम होता जा रहा है, और भाई ये बल खाते रोड एकदम से घूम के वापस मुड़ना पड़ता है। तो खैर मज़ा आ रहा है काफ़ी यहाँ पे। वैसे अभी मेरा 1-2 दिन पहले हरिपुर वाली साइड पे भी बाइक पे ट्रिप लगा था, तो उसमें भी मज़ा आया था, क्योंकि उस वक्त मौसम वगैरह काफ़ी अच्छा था। दूसरा ये कि हमने वो रात में ट्रिप लगाया था तो काफ़ी सुकून था। तो ये भाई झंडा लेके आ रहे हैं, सारे 14 अगस्त मनाने निकले हुए हैं। हम लोग पहुँच गए हैं मोनाल पे, इसके भी बस कुछ दिन ही रह गए हैं, तकरीबन नेक्स्ट मंथ जो है ये क्लोज़ हो जाएगा बिल्कुल। मोनाल भी, लामताना वगैरह भी, ये सारा कुछ बंद होने वाला है। तो चलें अभी हम ज़रा इससे आगे चलते हैं, हमने इससे अभी बहुत आगे जाना है। अभी मोनाल आया है, इसके बाद फिर हाईलैंड रिजॉर्ट, और फिर KPK का बॉर्डर, मे बी वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकें या फिर आगे चलते रहें। तो चलें मज़ीद डिटेल फिर यह है कि आपको आगे जाके देता हूँ। तो भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मौसम मज़े का हो रहा है, और इसके सिलेंसर ने मफलर ने भाई जो शोर मचा के रखा हुआ है। इस वक्त हम लोग जो हैं KPK की हदूद में दाखिल हो गए हैं, और इसके बाद हाईलैंड रिजॉर्ट आएगा, फिर पीर साहब आएगा।
ये हम लोग अभी केपीके की हदूद में फिर रहे हैं, और अभी पहले आएगा डायनो वैली, और इसके बाद पीर सहावा, और उसके बाद फिर आगे जबरी। मौसम यहाँ पे बेहतर होता जा रहा है। डायनो वैली रह गया भाई 1 किलोमीटर, और ये जा रहे हैं दोनों, ये अपने मोबाइल पे व्लॉगिंग कर रहा है या फिर वीडियो बना रहा है। डिम्पर, अच्छा भाई साहब कह रहे हैं कि डिम्पर दो, तो हम डिम्पर देंगे। और दूं या बस, तो चलें ज़रा आगे चलते हैं। और ओ भाई, वेलकम टू केपीके, ये बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डायनो वैली, और बहुत ही मज़े का ये पार्क है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। खैर खूबसूरत है, उस हिसाब से इतना नहीं मसला होता। ये ऊपर सारा जो है वो डायनो वैली का एरिया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे झूले भी हैं, और घूमने फिरने की जगह काफ़ी मज़े की बनाई हुई है, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। और ये आपको बस जो है ट्रेन से ये ऊपर लेके जाती है, और वैसे ये रास्ता भी ऊपर जा रहा है। और एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री इसकी ये सामने है, ये जगह यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है। तो लेकिन हम लोग निकल जाएंगे अभी इस साइड पे, वो देखें डायनासोर जो है उसने मुंह में गाड़ी ली हुई है। तो काफ़ी मज़े की जगह है, तो चलें अपना सफ़र हम आगे की तरफ अब जारी रखते हैं। तो ये आ गया है हाईलैंड कंट्री क्लब, ये रास्ता यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, और हम लोगों ने अभी इस साइड पर जाना है, पॉइंट सिटी की तरफ जाएंगे हम लोग। तो हम लोग अभी पता नहीं कौन सी जगह पे फिर रहे हैं, पर इतना मज़ा आ रहा है, इतनी ठंडी हवा लग रही है, और ये रोड जैसे गोल गोल घूम घूम के जा रहे हैं, तो बाइक में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। पहले हम लोग ठीक ठाक हाइट पे आए थे, अब ये वापसी नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, और दोबारा एक टर्न आ गया, और यहाँ पे काफ़ी मज़े का आगे लग रहा है सीन। दो साइड पर जो है एरिया वो सारा, तो ये लोग भी कुछ उसी साइड का डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, तो चलें आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं। ही खूबसूरत मंज़र इस साइड पे जो है ये पहाड़ का। बादल अभी काफ़ी हो गए, छाँव हो गई है, और ठंडी हवा लग रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एरिया कौन सा है मालूम नहीं, लेकिन अभी जबरी पता नहीं कितना दूर रहता है मस्जिद। जो आगे जा रहे हैं बाइक पे उनको पता है, रेहान को और मोइज़ को, मैं तो बस उनके पीछे पीछे लगवाई हुई है, लेकिन वो भी काफ़ी स्पीड से जा रहे हैं, साथ होने ही नहीं दे रहे। तो चलें ज़रा पहले उनके करीब पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं जाके कितना आगे रह गया मस्जिद। और रोड भी यहाँ आके थोड़ा सा टूटा हुआ था, वैसे पीछे काफ़ी अच्छा रोड था, लेकिन आगे दोबारा अच्छा रोड स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग पहुँचे हैं कोमल का एरिया क्रॉस किया है, और मौसम बहुत मज़े का, बहुत मज़ा आ रहा है, और ये रोड बहुत ज़्यादा टर्न है, और हम मुसलसल निचाई पे जा रहे हैं। लेकिन जो भी है यहाँ पे मौसम बहुत मज़े का, इतनी ठंडी सी हवा लग रही है, इतना मज़ा आ रहा है। और आगे मज़ीद पता नहीं कितना रह गया होगा, लेकिन ऐसा बेहतरीन सा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रात को वापसी आते हुए हमें सर्दी ना लगे कहीं, क्योंकि जिस तरह से भी ठंडी हवा लग रही है भाई। ठीक ठाक थकावट हो चुकी है, 2 घंटे हो गए हैं बाइक चलाते हुए, और अब तो हालत टाइट हो रही है। पता नहीं कितनी दूर है, बरकोट का एरिया क्रॉस किया है, कह तो रहे हैं कि करीब ही है आगे, तो देखते हैं कितना करीब है। इनको आखिर तरस आ गया, इन्होंने रोक दी, ऐसा जिसम अकड़ रहा, थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, ये बंदे का तो बस नहीं चलता, ये चलाते ही रहे बाइक। तो खैर अभी यह है कि नमाज का टाइम हो गया था, इस वजह से हमने एक जगह पर रोकी हुई है, अभी नमाज वगैरह पढ़ेंगे और फिर हम अपना आगे का सफ़र जारी करेंगे। अभी हम लोग कोहाला बाला के एरिया से निकल रहे हैं, असर की नमाज़ पढ़ के अभी यहाँ से निकले हैं, 5:30 का टाइम हो रहा है। तो आगे कितना रहता है रेहान अभी? 10-15 मिनट हो गए। ये 10-15 मिनट पता नहीं कितने टाइम से कह रहा है, अभी तक हो नहीं रहे। तो चलो
देखते हैं आगे। तो अभी हम कहीं करीब करीब हैं और ये जो नज़ारा है, आहा क्या बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ दोबारा धूप आ गई है, पीछे कभी धूप आ रही थी कभी छाऊँ। खैर अभी उम्मीद है हम कहीं करीब करीब ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बाइक चलानी पड़ती है। तकरीबन भी 2.5 घंटे तो कंफर्म है। लेकिन अगर रश ना हो, जैसे हमें मोनाल वगैरह में काफ़ी रश मिला था, तो उस तरह का अगर रश ना हो तो फिर हो सकता है काफ़ी कम टाइम लगे, मतलब आधा घंटा तो फ़र्क आ ही जाएगा। और चलें देखते हैं मज़ीद आगे चल के। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये यहाँ से रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है और ये सामने नीचे जबरी है, तो काफ़ी ज़्यादा ये तो भाई मुश्किल रास्ता है। गाड़ी तो मुश्किल ही आएगी, लगेगी बहुत बुरी तरह से नीचे से, लेकिन बाइक फिर भी निकल ही जाता है। तो खैर स्विफ्ट खड़ी है, टोयोटा खड़ी है, लेकिन सारी ऊंची ऊंची गाड़ियाँ होंगी, कोई भी ये होंडा की वगैरह ये नहीं होगी जो नीचे लगती हो। तो खैर हम लोग अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे। लोगों को मेरे ख्याल से ज़्यादा जगह का पता नहीं है, वरना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता आज। और दूसरा ये है कि वैसे काफ़ी दूर भी है, तो इस वजह से भी जो है यहाँ पे इतना रश वगैरह भी नहीं है। तो पानी के अंदर से गुजारते हुए आगे चलते हैं। हम किस साइड पे, इस साइड पे खड़ी करेंगे, इस साइड पे ठीक है। पानी के अंदर ही बाइक डाल दूँ, वॉश हो जाएगी। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं, नज़ारा काफ़ी अच्छा, जैसे वो कोहाला वाली साइड पे आता है उसी तरह का है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह पुल वगैरह बना है तो अलग उसी तरह रहा है। उधर खड़ी करें, चलें उस साइड पे चलते हैं, उस साइड पे कह रहा है, बाइक भी वहीं पे कह रहा है, खड़ी करते हैं। तो चलो हम ज़रा चलते हैं आगे पत्थरों में बाइक चलाते हुए। भाई 2-2.5 घंटे बाइक चला के पहुँचे हैं, ख्वारी तो वैसे टाइट हुई है, पर जगह अच्छी है ये काफ़ी ज़्यादा। तो चले बाकी का एंजॉय करते हैं यहीं पे। इस वक्त हम लोग पहुँच गए हैं जबरी पॉइंट पे, ये सामने है जबरी ब्रिज है और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे मज़े की जो बात है वो यहाँ पे ये है कि पानी यहाँ पे कोई बहुत गहरा नहीं है, पानी मतलब बिल्कुल घुटनों से नीचे है, जैसे वो भी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी आए हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बिल्कुल रिलैक्स होकर यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो यही है कि आप यहाँ पे लाजमी विज़िट करें। वापसी की वीडियोज़ वगैरह नहीं बना सकूँगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम है अंधेरा होने में। तो वापसी हम लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे, अभी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, नहाते हैं ज़रा, और इसके बाद चलें मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, एक नई वीडियो में, एक नई जगह और एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।